नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और कैरेबियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 15 के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो खेला जाना है बारबाडोस रॉयल्स और ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के बीच। 14 सितंबर को ये मुकाबला खेला जाना है सुबह के 4:30 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। वेन्यू रहेगा कैंसिंगटन ओवल, जो की बारबाडोस का होम ग्राउंड है। तो आइए जानते हैं कि इस वेन्यू के आंकड़े क्या कहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ मैच खेले गए हैं 33, जिसमें से 20 जीते हैं पहले बैटिंग वाली टीम ने और 13 मैचेस चेजिंग टीम ने। इसके अलावा यहाँ खेले गए पिछले 3 मुकाबलों पर अगर नजर डाली जाए तो ये 2 मैच आपको इस वर्ल्ड कप के मैच दिखाई देंगे इसी साल के, जहाँ पर 23 जून को यूएसए और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच में यूएसए ने 116 का टारगेट दिया था और इंग्लैंड ने आराम से उसे 10 विकेट से जीत लिया था। इसके बाद 29 जून को मैच हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका, जो कि फाइनल मैच था T20 वर्ल्ड कप का। इंडिया ने 176 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका हासिल नहीं कर पाई थी, हार गई थी ये मैच। इसके बाद इसी कैरेबियन प्रीमियर लीग का ये जो मैच 12 सितंबर को हुआ, एंटीगुआ ने 177 का टारगेट दिया और बारबाडोस की टीम डकवर्थ लुइस मेथड से ये मैच जीत गई। चलिए और जान लेते हैं, इस वेन्यू का एवरेज स्कोर है 155 रन, हाईएस्ट 220 और लोएस्ट 52 रन का है। इसके अलावा स्कोरिंग पैटर्न पर अगर हम नजर डालें तो 15 बार 150 से नीचे का स्कोर बना है, जो कि सबसे ज्यादा बार बना है, और 150 से 169 7 बार, 170 से 189 6 बार और 190 से ऊपर का स्कोर यहां सिर्फ 5 बार अभी तक बना है। यानी कि अधिकतर मुकाबले यहां पर काफी लो स्कोरिंग खेले जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड आंकड़े। तो कुल मिलाकर आज तक 10 बार ये टीमें आमने सामने आई हैं, जिसमें से 4 मैच बारबाडोस ने और 6 मैच जीते हैं ट्रिनबैगो ने। वहीं अगर पिछले 5-5 मैचों पर नजर डाली जाए तो दोनों ही टीमों ने अपने 5 में से पिछले 3 मुकाबले जीते हैं, एंड ऑब्वियसली इसमें कुछ 1-2 मुकाबले पिछले साल के भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, ये तो थे पिछले आंकड़े, अब नजर डालते हैं दोनों टीम्स के करेंट स्टेटस पर, यानी कि उनके खिलाड़ियों की हम बात करेंगे। तो पहले टीम आती है बारबाडोस रॉयल्स, जहां पर आपको ये सभी खिलाड़ी दिखाई देने वाले हैं मैदान पर। मोस्ट प्रोबेबली यही प्लेइंग 11 रहेगी, इसमें कोई फेरबदल पॉसिबल हो सकता है। तो इन खिलाड़ियों में से कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों की हम बात कर लेते हैं, जो इस मैच के की प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्विंटन डीकॉक की। पिछले वीडियो में भी हमने यही कहा था कि बेहतरीन शुरुआत करने वाले हैं ये इस लीग की, लगातार इनके बल्ले से रन बरस रहे हैं, तो ये खिलाड़ी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम के लिए, बिल्कुल रखे रहिए टीम में। अगले आते हैं रकीम कॉर्नवॉल, और भैया इनके बराबर अनलकी तो मैंने कोई नहीं देखा है। मतलब कैन यू बिलीव कि पिछली 4 पारियों में से भाई साहब 3 बार 0 पर आउट हुए हैं। यार इतने अंडे खाओगे तो कैसे काम चलेगा यार भाई। इकलौता मैच जहां इन्होंने 20 बॉल में 34 रन बनाए, बाकी हर पारी में ये फ्लॉप रहे हैं, तो बहुत कम चांस है इनका चलने का अगले मैच में। बाकी इस टीम से मुझे एक शिकायत है कि पिछले मैच में इस टीम की तरफ से मैन ऑफ द मैच रहे दुनित वेला लगे, जिन्होंने एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाया था, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है फिलहाल इस मैच के लिए, और उनकी जगह पर लाया जा रहा है केशव महाराज को। नो डाउट केशव महाराज इज ऑल्सो अ गुड बॉलर, लेकिन किसी मैच में मैन ऑफ द मैच रहे प्लेयर को ये मेरे ख्याल से वो ये डिजर्व नहीं करता कि उसको टीम से निकाला जाए। बाकी वी डोंट नो द प्रॉपर रीजन, ये काफी कुछ टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। इसके बाद आते हैं डेविड मिलर, तो नॉट आउट रहे पिछली पारी में, अगर पूरा टारगेट हासिल करती टीम तो शायद ये पारी और बड़ी देखने को मिल जाती, लेकिन अच्छे खेले, 13 बॉल में 19 रन इन्होंने बनाए। बाकी खिलाड़ी ये शानदार हैं, पिछले 3-4 मैचों से किस्मत कोई साथ नहीं दे पा रही है, लेकिन आप भरोसा रखिए इस लीग में ये कमाल करने वाले। अगले आते हैं रोमन पॉविल, तो ये भी मिलर के साथ नॉट आउट थे पिछली पारी में, बाकी इनके भी पिछले 2-3 आंकड़े बहुत जबरदस्त हैं, अच्छे फॉर्म में हैं, बढ़िया खेलेंगे ये, इनको भी रखे रहिए टीम में। इसके बाद आते हैं अगले केशव महाराज, जिनकी अभी अभी एंट्री हुई है दुनित वेला लगे की जगह पर, तो इन पर कोई शक नहीं, लेकिन अगर इनको लाने के बजाय किसी और को ड्रॉप किया होता तो शायद थोड़ा सा मन में सेटिस्फेक्शन मिलता। फिलहाल इनके आंकड़े जबरदस्त हैं, हर मैच में लगभग 5 या 6 की इकोनॉमी से ये रन देते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, साउथ अफ्रीका के बेहतरीन गेंदबाज हैं, भरोसा रखिए इन पर इस मैच में कमाल करेंगे। इसके बाद आते हैं महेश दीक्षणा, सेम जो बात मैंने इनके बारे में कही वही इनके लिए भी मैं कहूंगा, काफी किफायती गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, पिछला मैच भले ही कुछ खास नहीं रहा, कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन अगले मैच में कमबैक देखने को मिल जाएगा। अगले खिलाड़ी हैं नवीन उल हक, और ये भी अब अपने रंग में रंग चुके हैं लगभग, और थोड़ा सा बेटर हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वही बॉलर है जो रन कम देते हैं और विकेट ज्यादा लिया करते हैं, तो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस अभी बाकी है, भरोसा रखिए अगले मैच के लिए। इसके बाद आते हैं ओविड मकॉय, पिट गए पिछले मैच में, लगभग 11 की इकोनॉमी से इन्होंने रन दिए, इसके पहले के 2 मैच इनके लिए बड़े शानदार रहे थे, 5 विकेट इन्होंने झटके थे पिछले 2 मैचों में, लेकिन कोई बात नहीं, पिछले 2 मैचों का जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से हम चाहेंगे कि इन पर भरोसा किया जाए और अगले मैच में उम्मीदें जताई जाए। दोस्तों ये थी टीम बारबाडोस रॉयल्स, आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स की। तो ये रहे वो 11 खिलाड़ी जो आपको मोस्ट प्रोबेबली मैदान पर दिखाई देने वाले हैं, और इनमें से कुछ की प्लेयर साबित हो सकते हैं इस मैच में, आइए
लिए उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सुनील नरेन। इस लीग में अभी थोड़े से खामोश हैं, पिछले दो मैचों से खासकर शून्य पर आउट हुए थे और अभी पिछले मैच में 8 बॉल में 14 इन्होंने बनाए। दो बेहतरीन छक्के इनकी तरफ से देखने को मिले थे लेकिन ये पारी और बड़ी नहीं हो पाई और डुप्लेसिस ने इनका कैच लेकर इनको चलता किया। बट द गुड थिंग इज कि इन्होंने बॉलिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, इसीलिए एज एन ऑलराउंडर इनकी टीम में काफी जरूरत है। अगले खिलाड़ी हैं जेसन रॉय। T20 के बेहतरीन बल्लेबाज हैं लेकिन फिलहाल कुछ बड़ा देखने को नहीं मिल पा रहा है काफी टाइम से, इसीलिए उम्मीदें तो हम करेंगे लेकिन चांस थोड़ा सा कम रह सकता है इनके चलने का। अगले हैं निकोलस पूरन। तो इनको तो प्रेडिक्ट करने से कोई फायदा है नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स कुछ भी कह रहे हो, ये तो वो खिलाड़ी हैं जो अचानक से किसी मैच में एकदम से हीरो बन जाते हैं, तो इनको तो टीम में आप बिल्कुल रखे रहिए, कभी भी अचानक आंधी तूफान चल सकता है। इसके बाद आते हैं केसी कार्टी। काफी स्लो पारी खेली इन्होंने पिछले मैच में, मतलब जब ये बैटिंग कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि टीम का जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 22 बॉल में इन्होंने 15 रन बनाए, लेकिन खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड है, तूफानी बल्लेबाज हैं, पिछले आंकड़े देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे, इसीलिए भरोसा रखिए क्योंकि ये वही है जिन्होंने 22 बॉल में 34 भी बनाए थे और अभी 15 भी बनाए हैं, तो अगले मैच में आप इन पर भरोसा जताएं। अगले खिलाड़ी आते हैं कायरन पोलार्ड, जिनकी बदौलत पिछला मैच टीम जीती है। अगर ये खिलाड़ी ना होता तो शायद उस मैच का नतीजा कुछ और ही होता। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच ये रहे, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया। 19 बॉल में इन्होंने 52 रन बनाए जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी टीम को उस वक्त, और 5 बॉल शेष रहते हुए इन्होंने टीम को मैच जिताया, नॉट आउट पारी खेली। पिछले मैच में भी इनकी तरफ से 15 बॉल में 30 की पारी देखने को मिली थी ताबड़तोड़, तो भाई ये खिलाड़ी भी काफी इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। इसके बाद अगले आते हैं एंड्रीज गॉस। पिछले 6-7 मैचों पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक से बढ़कर एक पारियां आपको दिखाई देंगी, सिवाय पिछले मैच के जहां सिर्फ 1 रन बनाकर ये आउट हो गए। किस्मत कभी कभी साथ नहीं देती है, बट भरोसा आप पे पूरा पूरा रखा जाएगा और ये अगले मैच में चल सकते हैं। इसके बाद हैं शाकिरे पेरिस। तो जीत का क्रेडिट काफी हद तक इस खिलाड़ी को भी जाएगा, क्योंकि ऊपर के ऑर्डर में जहां हर खिलाड़ी ने 15-16 रन बनाए वहां पर इनकी एक पारी शामिल थी 33 बॉल में 57 रन की, जिससे टीम को काफी मजबूती मिली और 188 जैसा टारगेट हासिल करने में काफी मदद मिली। ये खिलाड़ी भी जबरदस्त है, आप इन पर भी भरोसा रखें, ये बढ़िया चल सकते हैं। अगले आते हैं अकील हुसैन, और एक बार फिर से ये फॉर्म से बाहर जा चुके हैं पूरी तरह से, सेम वैसे ही जैसे द 100 मैन्स लीग में शुरुआत के कुछ मैचेस में ये लड़खड़ाए थे। पिछले 3 मैचों में कुल मिलाकर 1 विकेट इनको मिला है, हालांकि दूसरे वाले मैच में तो इन्होंने 3 ओवर में 17 रन दिए थे, लेकिन अभी पिछले मैच में लगभग 11 की इकोनॉमी से इन्होंने रन लुटाए हैं। ऐसे में इनके बारे में 50% चांस रहेगा कि हो सकता है ये चल जाएं, हो सकता है ये ना चल पाएं। दोस्तों ये थी टीम ट्रिनिडैगो नाइट राइडर्स। अब सभी खिलाड़ियों के आंकड़े देखने के बाद हम चलते हैं इस मैच के प्रेडिक्शन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू अभिमन्यु सर एंड हिज वर्क, इस मैच में हमारा सपोर्ट रहने वाला है ट्रिनिडैगो की टीम के साथ। जी हां दोस्तों, ट्रिनिडैगो नाइट राइडर्स ये मैच जीत सकती है, और इस प्रेडिक्शन में अगर कोई भी ऊंच नीच, कोई भी फेरबदल होता है तो आई सजेस्ट यू कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि कई बार हम अपनी विनिंग टीम टॉस के बाद या मैच के दौरान आपको टेलीग्राम पर बताते हैं, क्योंकि वो अपडेट आपको यूट्यूब पर नहीं दी जा सकती। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।